हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल IMS ट्रेन एकेडमी चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि लगातार वीडियोस आपको मिलते हैं, आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियो मिलते हैं और भी कल्चरल प्रोग्राम के वीडियोस मिलते हैं, लेकिन कुछ बिजी शेड्यूल की वजह से वीडियो नहीं मिल पाया। लेकिन आज की डेट से आपको फिर से रेगुलर वीडियोस मिलने शुरू हो जाएंगे। केवल मैथ्स के ही नहीं, आपको बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, इंग्लिश के हर एक सब्जेक्ट का वीडियो आपको अब लगातार आज की डेट से मिलना शुरू हो जाएगा। उसी क्रम में आज हम आपके सामने टॉपिक लेके आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो मैथ्स का टॉपिक है। स्पेशली तो फॉर क्लास 10th के लिए है, बट जो बेसिक चीजें बताई जाएंगी वो क्लास 6, 7th, 8th के लिए भी जरूरी है। इसलिए ये वीडियो सब के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो जूनियर क्लास है या फिर क्लास 9th है, 10th है। ध्यान दीजिएगा कि हम शुरू करते हैं ग्राफ के द्वारा। कि आपको पता है कि जो ये हॉरिजेंटल लाइन होती है, हॉरिजेंटल लाइन को हम लोग एक्स एक्सिस कहते हैं और जो वर्टिकल लाइन होती है इसको हम लोग वाई एक्सिस कहते हैं। इतनी बातें आप पढ़े भी होंगे और जानते भी होंगे। नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को देखना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ध्यान दीजिएगा कि ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, बीच में हमारा होता है ओरिजिन, जिसको हम लोग यहाँ पर ओ से जोड़ कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि जो एक्स एक्सिस है, हम जो ओरिजिन है, ओरिजिन के राइट हैंड साइड में जब जाएंगे तो एक्स एक्सिस हमारा होता है पॉजिटिव, और जब ओरिजिन के हम लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो हमारा एक्स एक्सिस होता है नेगेटिव। उसी तरीके से हम वाई एक्सिस की बात करेंगे, हम ओरिजिन के अगर ऊपर जाते हैं, अपर साइड में जाते हैं, तो वाई हमारा होता है पॉजिटिव, और अगर हम ओरिजिन के नीचे जाते हैं तो हमारा वाई एक्सिस होता है नेगेटिव। ये सारी चीजें हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होंगी कि राइट हैंड साइड में एक्स एक्सिस पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव, वाई एक्सिस अपर साइड में पॉजिटिव और डाउन साइड में नेगेटिव। ठीक, अब आपको दिखा हुआ चार कॉलम बने हुए हैं जिनको हम लोग क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ये चार क्वाड्रेंट होते हैं। अब चारों क्वाड्रेंट में हमको कुछ शो करने के लिए वैल्यूज होते हैं। अब अगर ध्यान दीजिए कि अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट ध्यान दीजिएगा कि एक्स एक्सिस जो है वो क्या है कि पॉजिटिव है, और वाई एक्सिस क्या है वो भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब कि जो एक्स और वाई की वैल्यू है इसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में, वो दोनों क्या होगी, वो दोनों पॉजिटिव ही होगी। देखिए यहां पर दो साइन बनी और बीच में कॉमा लगा, तो दो साइन और दो नंबरों का मतलब है कि जो हमारा पहला वाला नंबर होता है वो हमेशा एक्स एक्सिस होता है और जो दूसरा वाला होता है वो वाई एक्सिस होता है। आपको कुछ इस तरीके से लिखा मिलेगा कि अगर मिल गया आपको 3.4, तो 3.4 मिला, इसका मतलब ये हुआ कि पहला वाला नंबर आपका x एक्सिस पे है और दूसरा वाला नंबर आपका y एक्सिस पे है, क्योंकि पहला नंबर आपका x एक्सिस शो करता है और दूसरा y एक्सिस शो करता है। तो पहले वाले क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा। हम आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में देखिए आप ध्यान देंगे तो x वाला नेगेटिव है और y वाला पॉजिटिव है, इसका मतलब कि x नेगेटिव और y पॉजिटिव। तो अगर आप कहीं ऐसा नंबर लिखा है कि लिखा है -2.3, तो आप तुरंत कहेंगे कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा, क्योंकि एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव। हम थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं, आप ध्यान दीजिएगा कि एक्स नेगेटिव है क्योंकि लेफ्ट साइड में है और वाई भी नेगेटिव है क्योंकि डाउन साइड में है, इसका मतलब कि एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। उसी तरीके से हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे तो देखिए x हमारा पॉजिटिव है और y हमारा नेगेटिव है, इसका मतलब यह हुआ कि x हमारा पॉजिटिव और y हमारा नेगेटिव। तो ये क्वाड्रेंट की चर्चा हुई। अभी आप देखिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो क्वेश्चन इसका इस तरीके से पूछते हैं कि आपको क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड आउट इन ऑल द पॉइंट्स आर इन विच क्वाड्रेंट। तो देखिए आपका लिखा जैसे 3.4, अब आपसे कहा कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तुरंत आप इसके साइन पे जाएंगे, तो आप देख रहे हैं कि दोनों क्या है, दोनों पॉजिटिव है, तो तुरंत आप कहेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फिर आपसे कहा कि -4.9 है, तो -4.9 मींस एक्स वाला नेगेटिव वाई वाला पॉजिटिव, तो एक्स वाला नेगेटिव वाई वाला पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। उसी तरीके से फिर से आपसे कोई पूछा कि बड़े स्मार्ट बन रहे हो, थोड़ा बताओ ये किस पे आएगा, तो आप तुरंत कहे ये मेरे सर पढ़ाए हैं, अभिनय सर पढ़ाए हैं, कौन सा पढ़ाए हैं, अभिनय सर पढ़ाए हैं, तो दोनों नेगेटिव है, तो तुरंत आप कहेंगे क्या कि ये तो आपका जो है थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है।
आपको भूलने की जरूरत नहीं है, बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। उसी तरीके से अगर आपको कोई दे दिया कि 4, -3 तो आप तुरंत कहेंगे कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो ये इस तरीके से आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कौन सा नंबर किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इतनी बातें आपको समझ में आएंगी, पूरी उम्मीद करता हूं। नहीं समझ में आएंगी तो आप मैसेज में जरूर लिखिएगा कि सर इसको फिर से समझा दिया जाए, फिर से ही आपको ये वीडियो उपलब्ध होगा। आगे हम बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा कि अच्छा ये बात हो गई कि किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं ये पॉइंट्स, और अगर आपको पॉइंट्स दिए रहे हैं और उसको अगर शो करना है, उसको अगर ग्राफ पे शो करना है तो किस तरीके से शो करेंगे, तो इस तरीके से शो करते हैं। मैं एक आपको एग्जांपल लेके बताता हूं। ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको शो करना है ग्राफ पे, तो जैसे मान लीजिए कि मैंने ये बनाया, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, इधर वाई भी प्लस होता है ऊपर 2, 3, 4, 5, इधर एक्स नेगेटिव होता है -1, -2, -3, -4, -5, इधर -1, -2, -3, -4, -5। अब हम कोई भी नंबर लेते हैं इस तरीके का जो आपको एक्सेस पे शो करना है और ग्राफ पे शो करना है। जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया कि 3, -4, आपसे कहा कोई कि चलिए आप इसको ग्राफ पर शो करिए, तो ग्राफ पे आपको शो करना 3, 4, तो तुरंत तो पहला काम आपका ये हुआ कि आप देखें किस क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहा है। तो क्वाड्रेंट 3, -4 मतलब कि एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव आपको तुरंत ध्यान जाएगा कि ये तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो हम फोर्थ क्वाड्रेंट में चले आएंगे और देखेंगे एक्स हमारा कितना है 3, तो एक्स एक्सिस पे देखेंगे 3 हमारा यहां है, तो हमको केवल यहां पर देख के रहना है। फिर हम चलेंगे वाई एक्सिस पे, वाई हमारा कितना है -4, तो 1, 2, 3, -4, और जो ये -4 है जहां पर 3 आ रहा है ठीक उसी के सामने आकर वहां पर हम एक डॉट से शो करके और वहां पर लिख देंगे 3, -4। ऐसे कोई भी पॉइंट्स आपको मिल जाए, जैसे मान लीजिए कि आपको 2, 4 मिल गया, तो दोनों प्लस में है, इसका मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम आएंगे तो देखेंगे कि 2 है x और y है 4, तो 2 ऐसे बढ़ते हुए जाएंगे और जहां पर 4 मिलेगा y का वहीं पर आके रुक के हम उसको डॉट से शो करके लिख देंगे 2, 4। तो इस तरीके से आपको ग्राफ को ये शो करना है। तो इस तरीके के कम से कम आप 10 पॉइंट्स लेके अपने मन से और इसको ग्राफ पर शो करिए। कहीं भी कोई दिक्कत होती है तुरंत आप मैसेज में डालिए कि सर ये वीडियो नहीं समझ में आया, और आपको ये फिर से बताया जाएगा कि हाँ किस तरीके से शो किया जाता है और कौन से क्वाड्रेंट होते हैं। और जो भी चीजें आपको आगे की हैं वो आपको कल नेक्स्ट क्लास में दी जाएंगी क्वाड्रेंट ज्योमेट्री की, तब तक आप इसको तैयार करिए। थैंक यू।